श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नयन कमल की बात चल रही है। नयन देखे नयन रूह के, ब्रह्मात्माओं की आंखें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नयन कमलों को देखती है। तिनसों लेवे रस रंग, तो देखते ही उनको ना उनमें से वर्षता हुआ प्रेम अमृत वो दिखाई देता है, वो ग्रहण करती है। तब आवे दिल में माशुक, तो ऐसा होते ही ब्रह्मात्माओं के हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की छवि अंकित हो जाती है। सो दिल मोमिन अरस परस, इस प्रकार ब्रह्मात्माओं का हृदय है ये अरस परस हो जाता है। तो इसके स्पष्टता आगे और करेंगे। अक्षराते धामधनी की दृष्टि पड़ती है तो ब्रह्मात्माएं भी उनके दिल में पहुंच जाती है। अक्षराते धामधनी के दर्शन करती है तो अक्षराते धामधनी को हृदय में बैठा लेती है। इस प्रकार अरस परस होता है। रूह देखिया का नाई नको, नेत्र में गुना अनेक, आत्मा अक्षराते धामधनी के नेत्रों को देखती है, नयन कमल को, तो उनमें तो अनेक प्रकार के गुण हैं। सो गुण गिनती में ना आवही, उन गुणों की गणना नहीं हो सकती। और कहने को नयना एक, कहने के लिए तो नेत्र कमल एक है किंतु उसमें गुण अनेक हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। कई गुण देखे छव भाव में, कई गुण माए सलू का, अनेक गुण तो उनकी छवि में दिखाई देती है और अनेक गुण हैं उनके सुंदरता में। गुण गिनते इन नयनों के, इन नयनों के गुण गिनने लग जाते हैं तो इनके गिनने अथवा तो इन गुणों पर को ध्यान देंगे तो हाय हाय अजू न होए दिल भूक, तो खेत की बात है कि ये दिल है अभी तक वैसे का वैसे बना रहा है, इसको तो चूर्णित हो जाना चाहिए था। मेरी रूह नयन की पुतली, तीन नयन पुतली के नयन, मेरी आत्मा की आँख हो और उसकी भी पुतली हो और तीन नयन पुतली के नयन, उन आँख की पुतली के भी आँख हो, माशुकर आँखों तेने बीच में, उन आँखों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बसाते हैं तो पाऊँ अरस सुख चयन, ऐसा हो तो परमधाम का सुख प्राप्त होगा। प्रेम प्रीत रस इष्क सब नयनों में देत दिखाई, सब नयनों में दिखाई देत प्रेम प्रीति रस इष्क, प्रेम रस प्रेम प्रीति ये सब नयनों में दिखाई देता, इन नयन कमलों में दिखाई देते हैं। ए रस जाने रूहे अरस के, इस रस को परमधाम की आत्माएं समझ सकती है जो भर भर प्याले लेता, जो भर भर करके प्याले पीती रहती है, उस प्रेम रस को तो ब्रह्मात्मा ही समझ सकती है। देख देख जो देखिए, तो अधिक 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 देख देख करके देखने लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे ही देखने लग जाते हैं तब लगता है कि अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो रहा है। नयन देखे सुख पाइए, इन दृष्टि इन नयन कमलों को देख करके
हमारे नेत्रों को भी शीतलता प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होते हैं। जानो सब अंगों इसका, जैसे अंग अंग में रोम रोम से प्रेम टपक रहा हो ऐसा लगता है। ए नयन देख माशुक के आशिक के सब अंग, माशुक प्रियतम परमात्मा के नयन कमलों को देख करके आशिक के सब अंग अनुरागी आत्मा के अंग प्रत्यंग सुख शीतल यों चुभता, उनके अंग प्रत्यंग में सुख और शीतलता चुभती है। कहने का तात्पर्य एकदम शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो पड़ जाते हैं, बड़ी शीतलता आ जाती है। सब अंग बढ़त रस रंग, रोम रोम में वो प्रेम का रस से वो बढ़ने लग जाता है, तो रोम रोम रोमांचित होते हैं। कई गुना बड़े नाई न के और कई गुना नाई न टेढ़ाए, आँखें विशाल आँखें तो उनकी कुछ विशेषताएँ, कुन कुछ कुछ आँखें वो आँखें तिरछी करते हैं तो उसमें सुंदरता दिखाई देती है। कई गुना तेज तारण में उनकी आँख की पुतली है, उनकी तीक्ष्णता में और अनेक गुण छिपे हुए हैं। कई गुना है चंचला है और आँखें इधर भी देखती है फिर इधर जाती है, तो उनकी जो चपलता दिखाई देती है उसमें भी कई गुण हैं। कहने का तात्पर्य उससे अपार आनंद का अनुभव होता है, जो देखें तो उसमें अपार आनंद मिलता है। कई गुना है तिरछाई में, तिरछी दृष्टि में कई गुण हैं, मतलब उससे भी अपार आनंद का अनुभव होता है। कई गुना पापन पल, जैसे ये पलकें झपकती है और खुलती है तो उसका भी अलग प्रकार के आनंद होता है। कई गुण शीतल कई मेहर में, कई शीतल गुण है श्री राज्य की कृपा में नीत हैं। कई तीखे गुण नह चल, कई गुण हैं उनके तीक्ष्णता में, नयनों की तीक्ष्णता में भी ऐसे गुण हैं, वो हमेशा रहने वाले नह चल निश्चल गुण हैं, कभी इधर उधर मिटने वाले नहीं हैं। कई गुण शोभा सुंदर, कई गुण प्रेम इश्क, तो उनके गुणों में शोभा सुंदरता भी है, वो भी एक विशेषता है। कई गुण प्रेम इश्क, प्रेम इश्क प्रेम ये उनकी विशेषता है। कई गुण नयन रंग में, और उनमें प्रेम का रंग है, वो भक्ति का प्रेम का रंग है, स्नेह का रंग वो टपकने लगता है परमात्माओं को देखने पर। कई गुण रस नयन हाका, इस प्रकार के अनेक गुण है अक्षराते धामधनी के नेत्रों में, ऐसे प्रेम रस है, कई गुण है, तो उससे फिर तो उन गुणों का चिंतन करते हैं तो अपार आनंद होता है। कई गुण नयनों के नूर में, आँखों के तेज में भी कई गुण हैं, आँखों के तेज की सुंदरता अलग प्रकार से है, कहने का तात्पर्य। कई गुण नेत्रों के हित, और नेत्रों से भी प्रेम करते हैं, आँखों से देखने से पता चलता है कि वो उनसे प्रेम झलक रहा है, तो वो विशेषता भी है। कई गुण तीखे कई शीत में, कई गुण तीखे कुछ, कई गुण मतलब आँख की तीक्ष्णता, तो उसमें भी गुण है, तो आँख की शीतलता में भी गुण है। गुण मीठे कई सुख देता, ऐसे मधुर गुण हैं, अनेक हैं, और वो अपार सुख प्रदान करते हैं। यों कई गुण कहते कहूँ, इस प्रकार अनेक गुण हैं उनके, क्या बात बताएं, गुण को ना आवे पार, इतने गुण हैं कि उनका कोई पारावारी नहीं है। इस भूल देखो अपने, ए गुण गिनो माहे सुमार, हमारी भूल यही है कि ये परमधाम के गुण हैं, उनको हम नश्वर जगत में गिनकर बताना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है, ये हमारी भूल है। कई गुण नेत्र शुभान के, शो क्यों कहूँ चतुराई न, तो अक्षराते धामधनी के नयन कमलों में अनेक गुण हैं, उनमें चातुर्य भी है, उसकी क्या बात बताएं।
इन जुआ बलन पहुँचाई, इस जिह्वा में ये शक्ति है ही नहीं। हिस्सा कोटमा एक गुण है, उनके एक गुण का करोड़ों भाग उतने तक को बताने की क्षमता भी इस जिह्वा में नहीं है। प्यारे मेरे प्राण के नैना सुख सागर सलोने, प्रियतम धनी प्राण के भी प्यारे हैं, उनके नयन सुख है सागर, वो उनके नयन सुख के सागर है, और सलोने है, सलोने सुंदरता के लिए कह रहे हैं, बड़े सुंदर हैं और सुख के सागर हैं। रह न सकों बिना रंगीले रंगीले नेत्रों के, स्मरण के बिना दर्शन के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। ज्यों कसुम्बड़ी उजलक में, तो अब ये कैसे हैं कसुम्बड़ी, तो ये कुसुम्ब उस प्रकार का पुष्प है, तो केसरिया लाल लाल होता है, तो उज्जलक में उज्ज्वल सफेदी में लालिमा है आँखों में, तो इनका किस प्रकार से वर्णन करें। जब देखो शीतल नजरों तब ठरत आशिक के अंग, जब अक्षराति धामधनी के शीतल दृष्टि को देखते हैं तो सब ठरत आशिक के अंग, आशिक के अंग है, रोम रोम है, वो शीतल हो जाते हैं, शीतलता प्राप्त होती है, ठहर जाना। दीपक है तो वो बुझ जाना, वो भी ठहरना होता है, शांत होना वो भी ठहरना होता है, तृप्ति होना वो भी ठहरना होता है, शीतलता प्राप्त होना है, यहाँ ठहरने के लिए कह रहे हैं। ये गुजराती का शब्द है। सब सुख उपजे अरस में, हकमाशुक के संग, सारे सुख है परम धाम में प्रकट होते हैं, हकमाशुक के संग अक्षराते धामधनी के साथ में ऐसे अपार सुख प्राप्त होंगे। ये तो थोड़े से सुखों की बात कही है। मैं नयनों देखो नयन हक के हुई चारों पुतली तेज पुंजा, जब मैं अक्षराते धामधनी के नयनों को देखता हूँ तो चारों पुतली है एक दूसरे से मिल जाती है, तो उनका उनका तेज पुंज वो तेज है इकट्ठा हो जाता है चारों का। जब नयन मिले नयन में, जब आँखों से आँखें मिलते हैं, नूर ही नूर हुआ एक गंज, नूर ही नूर का मानो एक भंडार खड़ा हो गया हो ऐसा लगता है। हक देखे पुतली अपने अक्षराते धामधनी, अपने पुतली में हमारी आँखों में वो अपने प्रतिबिंबित आँखों को देखते हैं, हम उनकी आँखों में अपने आँखों को देखते हैं। मैं देखूं अपनी पुतलियाँ, मैं हक देखूं हक देखे मुझे, इस प्रकार अक्षराते धामधनी मुझे देखते हैं और मैं उनके दर्शन करती हूँ, आत्मभाव से कह रहे हैं। इसलिए यूं दो अरस पर भैया, इस प्रकार दोनों दोनों बातें अरस अरस परस, ये परम न हो करके परस होना चाहिए, यूं दो अरस परस भैया, अरस परस होती है। हक देखे मेरे नयनों में अक्षराते धामधनी, हमारी हमारी आँखों में देखते हैं पुतली, जो अपनी अपनी पुतली को देखते हैं हमारी आँखों में। मैं देखूं हक नयन में, मैं भी अपनी पुतली को अक्षराते धामधनी के दृष्टि में देखने का प्रयत्न करता हूँ। यूँ दो जुगलें जुगल बने, इस प्रकार दोनों जोड़ी हो जाती है, जुगल के साथ में जुगल। अति गौर पापन नयन की पलवाल देखत शरम, अत्यंत गौर वर्ण के नयन है उनके, पापन का मतलब उनके ये आँखी पल के, पलवाल देखत शरम, आँखें झपकते हुए बड़े ढंग से झपकते हैं, थोड़े लज्जा रख करके, उदंडता से नहीं उस भाव से। गुण गर्भित मेरे पाइए, ऐसे गर्भित गुण हैं अक्षराते धामधनी के नयनों के, वो उनके कृपा से ही प्राप्त होते हैं। रुआ हुकुमे देवे ए मरमा, हुकुमे देखे ए मरमा, ये ब्रह्मा आत्मा अक्षराते धामधनी के आदेश से इस मर्म को समझ पा रही है।
श्याम बंके भौम नयनों पर, ऐसे नयनों के ऊपर में भौम ब्रिकुटी है, वो श्याम रंग की है और टेढ़ी है धनुष की तरह से। रंग गौर जुड़े दो आए और दोनों के गौरता, अब इधर से भी, अब ये तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, तो इधर ऊपर नीचे की गौरपन है वो कहीं पर जुड़ती है, नीचे की गौरपन भी तो इधर से जा करके यहाँ जुड़ जाती है। निपट तीखी अनिया नेत्रों की, और इन नेत्र कमल की अणियाँ कोने हैं बड़े तीक्ष्ण हैं। मारे आशिकों वान फिराए, मनो आशिक अनुरागिणी आत्माओं को तो खींच करके बाण मारते हो, इस प्रकार से उनके तरफ दृष्टिपात होती है तो होते ही जो आत्मा जिन जिस आत्मा के तरफ दृष्टिपात होती है वो तो उसी समय उनके प्रेम में मस्त हो जाती है, बाकी सब भूल जाती है। तो इस तरह से वो घायल हो गई ऐसा माना। जब खैचत नैना जोड़ के तब दो बान छाती छेदत, जब दोनों आँखों को खींच करके देखते हैं, कहने का तात्पर्य दृष्टि डालते हैं तो ऐसा दिखाई देता है उसको, वो दोनों आँखों को दोनों उसकी तरह से कमान की तरह से वो धनुष की तरह से ऐसा मान करके, तब दो बाण छाती छेदत, जब दोनों बाण निकलते हैं दोनों दृष्टि पड़ती है तो अनुरागिनी आत्मा उनका हृदय द्रवित हो जाता है। अंग आशिक के फूट के वार पार निकषत, और ये बाण है आशिक के अंग को हृदय को भेद करके आर पार निकल जाते हैं, कहने का तात्पर्य तो पूरा पूरा शरीर ही रोम रोम ही उसके वेद जाते हैं और रोम रोम आनंदित हो जाते हैं। दमा नकज्यों कहूँ 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 यूँ पिछली देते गिराए, दमानक कहते हैं बंदूक, जैसे बंदूक चलाते हैं तो सामने कोई व्यक्ति होता तो पीछे की ओर गिर जाता है, इस तरह से कि मानो वो उस तरह वो गिरा देते हैं। ये चोट आशिक जान ही, इस चोट को तो अनुरागिनी आत्मा ही जान सकती, जो होए अरस अरवा है जो परमधाम की आत्मा होगी उसको ही ये पता चलता है। भौ बंग के नई न कमान ज्यों, ये भ्रिकुटी है आँखों की तो वो कैसे है, कमान की तरह से धनुष की तरह से, धनुष की तरह से वो टेढ़ी है, कमान जैसी बनी है। भाल बंकी सामी तीन बल, और ललाट में भी जैसे आँखों से देखते हैं ध्यान से देखते हैं तो ललाट में भी और तीन वो ऐसे लाइन दिखाई देती है, तीन पंक्ति दिखाई देगी। बाण टेढ़े मारत खैच मरोर के, जब दृष्टि को खींच करके मतलब बाण मारते हैं, छाती छेद न गया निकल रहा, वो तो छाती को छेद करके हृदय को विदीर्ण करके निकल न गया हो ऐसा लगता है। तीर कया तीन अंकुड़ा, ये तीर भी कैसा है, तीन कोने वाला कहा है। छाती छेद न गया चला, छाती को छेद करके वो क्या पार होकर के नहीं गया तो वो वहीं पर अटक जाता है, वो निकल नहीं पाता है क्योंकि तीन कोने हैं तो निकालने से निकल नहीं पाता है। रयासी ने बीच आशिक के वह कार न रूह मुश्किल, तो ब्रह्मात्माओं के हृदय के बीच में फंस जाता है इसलिए उसको निकालना भी मुश्किल होता है। कहने का तात्पर्य यह है उनकी दृष्टि है वो हृदय में चुभ जाती है तो हृदय में अंकित रहती है। कहर कया तीर त्रगुड़ा, ये त्रगुड़ा तीन अंक तीन कोना वाला तीर है वो, उसको कहर कहा, एक प्रकार से वो किसी के प्रति भी ये बाण चलते हैं तो
तो उनके हृदय में अंदर से उत्पात मच जाता है, तो उसको कहर कहा है। रई सीने बीच भाल, तो छाती में तो भाले की तरह से चुभ रहे हैं। रोए रात दिन आशिक, रोते ही बदल्या हाल। अनुरागिनी आत्मा रात दिन इस प्रकार रोती है, रोते ही उनके हाल बदल जाते हैं। तो अनुरागिनी आत्मा जैसे अक्षराते दामधनी के नयन कमलों का चिंतन करती है, तो फिर उसको तो उनका वियोग सताने लग जाता है, इस तरह से वो रोती है, तो उसका हाल बदल जाता है, तो विरह वेदना बहुत हो जाती है। अरस बक्का तीर तरगुड़ा, रया अरस रोहो हिरदे साल। अरस बक्का अखंड धाम का ये तीर है, तीन कोने वाला। रया अरस रोहो हिरदे साल, परमधाम की आत्माओं के हृदय को ये पीड़ित कर रहा है। ना पांच तत्व तीर त्रिगुण, ये पांच तत्व का न, न, वो अथवा तीन गुण का तीर नहीं है। ये नयन बाण नूर जमाल, ये नयन बाण है, ये तो अक्षराते दामधनी के हैं। ये बलवान सहज, कि ये सहज ही बलवान है, सहजता से जो कभी मारे दिल में ले, तो कभी वो बाण चलाते हैं तो दिल में जा करके चुभ जाते हैं। ना जानो तीन आशिक का कौन हाल होवे, उस समय अनुरागिनी आत्मा का क्या हाल होगा वो बताया नहीं जा सकता। ये बाण टेढ़े अबल के, ये बाण तो अबल से ही वो टेढ़े हैं, और टेढ़े लिए चढ़ाए, जब चढ़ाते हैं तो भी टेढ़े चढ़ाते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो आँखें ऐसे नुकीली है, तिरछी है, और देखते भी तिरछी दृष्टि से है। खैच टेढ़े मारे मरुर के, जैसे तिरछी दृष्टि से देखते हैं उस प्रकार से खींच करके बाण मारते हैं। तो सो क्यों न आशिक टेढ़ाए, तो अनुरागिनी आत्मा उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी कैसे नहीं होगी, वो तो मस्त मस्ती में आएगी तो फिर सीधी चाल नहीं होगी। कहे गुण महामत मोमिनो नयन रस भरे माशुक के, महामति कहते हैं अक्षराते धामधनी के इन नयनों रस भरे नयनों के गुणों के विषय में, अपार गुण गिनती मैंने क्यों कर आवे, अपार गुण है इसलिए वो गिनती में कैसे आ सकेंगे। तो बस उन गुणों को तो ये हैं, ऐसा करके उनका अनुभव ही करना होता है। तो अभी इस प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्यों कर आवे ए, कहे गुण महामत मोमिनो नैना रस भरे माशुक के, अपार गुण गिनती मिने कर आवे, क्यों कर आवे।